नमस्कार फरीदाबाद, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। इस वक्त है मेलबला महाराजपुर पर, जहां नेक्सा का शोरूम है। कोई गाड़ी ली थी इन भाई साहब ने, जो कि उसका इंजन बार बार ख़राब हो रहा है। क्या पूरा मामला है उनसे ही बातचीत करेंगे, नॉलेज लेंगे। जी, क्या नाम है सर? वीरेंद्र नागर, एडवोकेट। नागर साहब, ये बताइए कब गाड़ी खड़ी थी? 28 जनवरी को 2024 को शोरूम से। क्या नाम है शोरूम? नेक्सा वास्को का। नेक्सा शोरूम से गाड़ी, अब समस्या क्या है? 28 जनवरी को गाड़ी खरीदी, 3 महीने बाद गाड़ी का इंजन ब्लॉक हो गया। मैंने गाड़ी शोरूम पे पहुंचाई, फ़ोन करा, शोरूम वाले कोई नहीं आए लेने। मैंने खुद किराए से गाड़ी खिंचवा के पहुंचाई है। उसके बाद 2 महीना इनके चक्कर काटे, कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ ही 2 महीने बाद जब इन्होंने कोई सॉल्यूशन नहीं करा, यहीं गेट बंद करा, उसके बाद इन्होंने सॉल्यूशन करा, गेट पर आके बैठे। फिर इन्हें इंजन इनका हेड है प्रदीप, उसने बोला भाई इंजन चेंज होगा, नया इंजन डाल के दे रहे हैं। ठीक है जी, नया इंजन डाल दिया मैंने भी, ठीक है गाड़ी नहीं होगी। 1 महीना गाड़ी चली, फिर इंजन ब्लॉक हो गए। फिर मैंने इनके पास फ़ोन किया, फिर कौन सी गाड़ी खरीद? रॉन्ग्स गाड़ी, फ्रॉन्ग से नया नहीं आई है। अब मैं 1 महीने से इनके पास गाड़ी खड़ी है। अब 3-4 बार मैं आ चुका हूँ। इनका GM है प्रदीप, इनका हेड है शोरूम का प्रताप, मैनेजर है। वो कहते हैं कि मैंने 9,66,000 गाड़ी खरीदी, और वो वैल्यू लगाते गाड़ी की 7.5 लाख रुपये। अच्छा। 7.5 लाख में हम आपकी गाड़ी लगा लेंगे, बाकी आप अपना इनसे फाइनेंस करा लो। भाई मैंने 7 महीने पहले गाड़ी खरीदी, मैंने बेकने की थोड़ी खरीदी है। सॉल्यूशन करो ना, बार बार ब्लॉक क्यों फट रहा है? उनके मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत है। तो भाई मुझे नई गाड़ी दो। नई गाड़ी के लिए बोला उन्होंने, कह आपकी गाड़ी 7.5 लाख की लगाई जाएगी, उससे ऊपर आपको लोन कराना पड़ेगा। इन्होंने कितने में दी थी गाड़ी? 9,66,000 की। 7.5 की क्यों लगा रहे? आप वैल्यू लगा रहे 7.5 लाख रुपये, क्योंकि हमारे हाथ में तो यही है, बाकी आप कुछ भी कर सकते हो। पुलिस फोर्स आप? नहीं, हमने तो सुबह शोरूम गेट बंद किया आए के। भाई कोई सोल्यूशन नहीं। सुबह 10 बजे से मैं यहाँ बैठा हूँ, 12-1 बजे तक किसी बंदे ने, एक नए शोरूम वाले ने, किसी ने आकर मुझसे बात नहीं की। फिर इन्होंने ही प्रशासन बुलाया, 1-2 क्लाइंट और थे जो इन कस्टमर थे, जो सुबह से आज धनतेरस की गाड़ी लेने के लिए आए थे, उन्होंने प्रशासन बुलाया। प्रशासन आके बैठ गया, जब इन्होंने बात करी है, सॉल्यूशन अभी आश्वासन कोई नहीं दिया। वैसे इन्होंने ये कही कि अभी मंडे तक हमें टाइम दे दो, मंडे को आप आना, एक बार बात कर लेते। मैं आपको दोबारा से बता दूं, नेक्सा शोरूम है, आप देखें यहाँ पे नई गाड़ियाँ हैं, मारुति सुजुकी की यहाँ से गाड़ियाँ कस्टमर खरीदता। दिवाली का त्यौहार है, कस्टमर खरीद भी रहे। इन्होंने फ्रॉन्क्स गाड़ी ली थी, भाई साहब इधर आ जाओ, थोड़ी गाड़ी निकलेगी। फ्रॉन्क्स गाड़ी ली थी, लेकिन वो गाड़ी बार बार ख़राब हो रही, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, और इनको अभी गाड़ी दी नहीं गई। इनकी गाड़ी का जो कीमत है 7.5 लाख लगा रहे हैं, 7.5 लाख रुपये लगा रहे हैं। तो अब क्या कार्रवाई चाह रहे हैं आप? क्या? मैंने तो बोल दिया इनसे, भाई मुझे तो नई गाड़ी चाहिए, मैंने नई गाड़ी ली है, ना तो मैंने बेचने को ली, ना मैंने वैल्यू लगा रहा आपके पास आके। दिक्कत है आपकी शोरूम भुगता कैसे दिक्कत को, मेरी गलती क्या है इसमें? मैंने 7 महीने पहले, 7 महीने में भी 3 महीने शोरूम पे खड़ी रही गाड़ी, मैंने खड़ी की किस्त दी है 3 महीने पहले, 2 महीने खड़ी रही, अब भी 1 महीना हो गया। 3 महीने तक मैं खड़ी की किस्त दे रहा हूँ, मैं तो गाड़ी चलाई 4 महीने। अच्छा। 2 बार इंजन ब्लॉक हो गया। आपको बता दें मारुति की नेक्सा शोरूम है, और इस पर फ्रॉन्क्स गाड़ी जो अभी मारुति ने लॉन्च की है धड़ाधड़ बिक रही है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट बता रहे हैं, जैसा ये कस्टमर कह रहे हैं कि 2 बार इनका इंजन ब्लॉक हो गया है और इनकी गाड़ी अभी तक नहीं मिल पाई है, शोरूम पर खड़ी हुई है और कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। कोई जवाब नहीं किसी। तो अब पुलिस प्रशासन, प्रशासन किसने बुलाया? ये तो आम जनता ने बुलाया था, जिनकी डिलीवरी होनी थी गाड़ी की आज की, लेकिन प्रशासन वाले कह जी कंप्लेंट दे दो। ये कंप्लेंट दे दो, कोई सॉल्यूशन थोड़ी ना। अब इनके जो सेल्स का मैनेजर है, उसने उनसे बात की है, उन्होंने मंडे तक का टाइम मांगा, भाई मंडे तक का टाइम दे दो। मानी कि मंडे तक क्या होगा, क्योंकि आपके जो GM है, उससे ऊपर हेड है प्रदीप, उन्होंने हाथ उठा दिया, उन्होंने ये कह दी भाई हम तो इतना कर सके, इससे ज़्यादा हमारी औकात नहीं है। कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते? कंज्यूमर कोर्ट में चले जाएंगे बिल्कुल, पहले एक बार इनसे बात कर लेते, एक बार कोर्ट में भी जाएंगे, कोर्ट तो जाना ही है। लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब हम अब भी सॉल्यूशन जब किया है कि कोई 50 वकील आए हैं, आम जनता हो तो ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। वकील है, एडवोकेट है सर, तभी ही ये माने। यानी प्रशासन इतना बुला लिया ना, तो 50 प्रशासन पुलिस वाले, वो तो 1 मिनट कोई आम जनता होती तो 1 मिनट उठा के भगा देते पुलिस वाले, वो तो सारे वकील है, कोई 50 वकील इकट्ठे हुए तब जाके इन्होंने बात मानी है। सुबह 10 बजे से, वो भी दो, अब क्या टाइम हो रहा है, 1 बज गए ना, 2 बज गए, अब जाके इन्होंने बात की। सुबह से तो कोई बात ही नहीं करी, बात ही नहीं की किसी ने भी, सुबह से यहीं बैठे हैं।
आप यहीं गेट पर थे? गेट पे खड़े सवेरे से, कोई मिलने नहीं, कोई किसी ने कोई बात नहीं की। अब भी ऐसा चो आया सेक्टर 31 का, उसने आके बात की है भाई क्या मामला है, ये दिक्कत है। अब उन्होंने वो कह के गए हैं भाई एक बार बात करो हेड से भाई, निमटा इन मामले, कंप्लेंट दो फिर कंप्लेंट देंगे। अभी कंप्लेंट दी नहीं है, अभी ना मंडे तक का टाइम लगे भाई, वो सेल्स का जीएम है जो, अगर मंडे तक का टाइम दे दो आपको सॉल्यूशन हम कर देंगे। तो आप देख सकते हैं नेक्सा शोरूम पे फ्रॉक्स गाड़ी में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होने की वजह से कस्टमर परेशान हो रहे हैं और शोरूम वाले कोई सुन नहीं रहे। इनको टाइम दिया गया है सोमवार तक का। अब देखने वाली बात ये होगी कि सोमवार को ये शोरूम कस्टमर की किस तरीके से मदद करता है। आप देख रहे थे वॉइस ऑफ फरीदाबाद, मैं राजकुमार।